मेरी रूह रंग महल की चौथी होंद की चौथी हवेली नीरद की हवेली में अपनी सुरता को ले चल और शेराज जी श्री श्यामा जी के संग धाम की अलौकिक नीरद लीला का अखंड आनंद ले। नीरद की भौम चेतन नूरमयी प्रकाशमान और इश्क की सुगंधी से लबरेज है। एक हीरे से सुसज्जित भूमि में जुदे जुदे रंग के जवेरात समाये हैं, जिनकी बेशुमार ज्योत है। इनसे उठती तरंगे उनकी किरणें संपूर्ण वतन को महका रही है। अहो नीरद का समय हो गया, मेरे प्रियतम शिवराजी श्री श्यामा जी चबूतरे पर सुसज्जित नूरमयी सिंहासन पर विराजमान हुए और हम दुहे उन्हें घेर कर बैठी। देखिए नवरंग बाई हाजिर है नीरद के लिए। वो अति किशोर स्वरूप धाम धनी की लाडली अंगना है। उन्होंने कितने सुंदर वस्त्र भूखन धारण किए हैं, जिनकी जो चारों ओर जगमगा रही है। ऐसी मेरी प्यारी नवरंग बाई चौक के मध्य आकर धाम धनी के सन्मुख नीरद के लिए पेश होती है। साथ में उनकी जुत की सखियां हैं, जो नूर जमाल का नूरी मुखमंडल एक तक निहार रही हैं। और प्रीतम शिवराज जी की नजरों का इशारा पाते ही नवरंग बाई का अलौकिक नृत्य प्रारंभ हो गया। बाजी की सेवा करने वाली सखियों ने बाजे बजाने शुरू किए। मृदंग बाई ने मृदंग बजाया, तान बाई ताल से ताल मिला रही है और सुनिए सैन बाई सुरीले सरों में गायन कर रही है। कोई पीयू की प्यारी रूह ढोलक बजा रही है, तो कोई मृदंग तो कोई बाजे से मधुर स्वर निकाल रही है। रस में डूबी मीठी आवाज पूरे वतन को गुंजायमान कर रही है। भांति भांति के बाजों से 3600 राग गूंज रहे हैं और मेरी रूह के भी कदम मचल उठे नीरद के लिए। प्रियतम शिवराज जी की प्यारी नवरंग बाई अपनी मीठी रसना से धनी का गुणगान करते हुए गायन आरंभ करती है और दिल में भाव लेके मनमोहक अदाओं से नीरद पेश करती है, तो जुत वाली सखियां ही वैसे ही ताल से ताल मिलाकर गायन का नीरद करती हैं। जैसा नवरंग बाई चाहती है वैसे ही मृदंग बजते हैं, बाजे बजते हैं, बाजों की गूंज भी ताल से ताल मिलाकर समा बांधती है। श्रवणों को प्रिय लगने वाले मधुर स्वर की लहरी और नवरंग बाई की मोहक लोहावनी अदाएं मेरी रूह को पुलकित कर रहे हैं। नवरंग बाई की नीरद के साथ साथ मृदंग भी जोर से बज उठे। संगीत की लहरियों पर होता नीरद प्रीतम शिवराज जी श्री श्यामा जी को रिझाने के भाव। नवरंग बाई और उनकी सखियां, नवरंग बाई और उनके जुत की सखियां सुभान के सामने
दिल में प्यार लेके निरत कर रही हैं। उनके पांवों के बुखन भी बज उठते हैं। वह भी सुरीली आवाज में युगन प्रिया श्री राज श्यामा जी को रिझा रहे हैं। इन सुख को हक खादी या रूही महसूस कर रही हैं। नवरंग बाई की इच्छा अगर वो खुंगरी चाहती है बजे तो सुखद खुंगरी की आवाज झांझरी की आवाज जिस पल वो जो भूखन चाहे उसी भूखन की आवाज। अगर उसके दिल में इच्छा कि एक साथ सब भूखन बजे तो सब भूखनों की ठमकार। धाम की अलौकिक नृत्य और सब की चाह कि मैं शेरा जी श्री श्यामा जी के सन्मुख नृत्य करूं। सभी सखियां निरत करते करते हक के नजीक जाती हैं। सब जगह उनके निरत के प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरी रूह की नजर जहां भी जा रही है वहां निरत हो रहा है। 25 पक्षों में हर शय निरत की गूंज में मदमस्त सो निरत कर रही है। निरत करते मदमस्त अदा से आना और जाना घेरा बनाकर निरत करना और अंगुलियों का चलाना। हर स्टेप में बाजे वाले सखियों का साथ अद्भुत है। नवरंग बाई की चतुराई देख मेरी रूह रोमांचित हो रही है। निरत करते समय उनकी चाहना सी भूखन बजते हैं। एक घुंघरी का स्वर गुंजे तो एक ही घुंघरी बजती है। दो की चाह तो जोड़े से दो घुंघरी मीठे स्वरों में बज उठती है। नवरंग बाई अगर चाहे तीन घुंघरी बजे तो ऐसा ही होता है। आभूषण भी उनके दिल के भाव जान मीठी आवाज में झंकार करते हैं। घुंघरी के मधुर स्वर के साथ जब मृदंग बज उठे तो क्या कहें। सारंगी भी बज उठे तो उसके साथ साथ स्वर से स्वर मिला सभी बाजे भी स्वतः बज उठे। जंत्र बजता है तो उसकी मधुर आवाज से ताल मिलाकर बाजे बजते हैं। जब श्री मंडल के 3600 स्वर गूंजते हैं तब रूहें मीठे स्वरों से पियों का गुणगान करती हैं। तो कोई भी निरत करने से खुद को नहीं रोक पाता सभी झूम उठते हैं। Thank you.
एक पहर तक रूह ने निरत के सुख ली। अब समय हो गया पोड़न का, हक ने रीछ कर प्रसन्न हो पान की बीड़ी रूह को दी। मेरे हक शेरा जी और श्यामा जी सिंहासन से उठे, संग रूहे भी उठी और अर्शे मिलावा चला पांची भों। उनकी पांवों की थाप से नव भुवों में गर्जना हो रही ही है और आ पहुंची पांची भों, जहां शेरा जी शयन सुख रूहों को देते हैं।